हिंदी समाचार पत्र अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज के 5 वर्ष पूर्ण होने पर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज के लिए पूरे डेडिकेटेड है, कमिटेड है, काम कर रही है। मैं इतने कहूंगा कि जो न्यूज होता है चतुर्थ स्तंभ होता है, पत्रकार जो होता है चतुर्थ स्तंभ होता है किसी भी डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, और उसकी 3 विशेषताएं होती है, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर। होकर के लिखनी लिखे निष्पक्षता कूट कूट की होनी चाहिए, और इसे कहते हैं कि एक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सच्चाई का भान कराए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी चीज की अतिरंजना की जाए और इतना लिखा जाए कि अनावश्यक रूप से किसी की तारीफ भी की जाए, लेकिन सच्चाई अगर है तो अवश्य, अगर किसी कार्य करने में जनता को लाभ मिला है, जनहित में किया गया कार्य, तो उसकी तारीफ भी की जाए, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा तो उसके बारे में भी एक्सपोज किया जाए। यही एक अच्छे जर्नलिस्ट का, एक अच्छे पत्रकार का अच्छा द्योतक होता है। पीठ पत्रकारिता से दूर रहना चाहिए। एलो जर्नलिज्म इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। बाकी कमिटी साहब बहुत ही विद्वान आदमी है, उन्होंने बोला होगा और निश्चित तौर से एक अच्छा संदेश दिया होगा। हम लोग उनके एक अच्छी भविष्य की कामना करते हैं जो हमारे इस न्यूज से लोग जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। I wish the best of their luck and I hope कि वो लोग अच्छा कार्य करेंगे और एक ऐसी विशाल, एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की विशाल पैदा करेंगे जो अच्छे पत्रकारिता का द्योतक होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। अहिंसा एक्सप्रेस का विमोचन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? 5 वर्ष पूरा हो चुका है अहिंसा एक्सप्रेस का, 6ठे वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इसका मतलब प्रचार प्रसार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अहिंसा एक्सप्रेस टीम से जुड़ें, इस वजह से यहाँ पे विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, किस तरीके से, कैसा रहा ये 5 साल का कार्यकाल आप लोगों का? 5 साल हम लोगों का कार्यकाल अच्छा रहा, हर छोटी बड़ी खबरें हम लोग दिखाएँ, कहीं से कोई समस्या नहीं आया। सारा टीम, मतलब कि अहिंसा एक्सप्रेस के पूरे टीम ने सहयोग किया